महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के जनसंचार विभाग के विशेष संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे हिंदी के जाने माने संपादक श्री अच्युतानंद मिश्र जी से। मिश्र जी ने पत्रकारिता के अलावा पत्रकारिता शिक्षण को भी एक दिशा दी, खास तौर पर तब जब वे भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति थे। अच्युतानंद मिश्र जी से बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने पत्रकार अरविंद मोहन जी, जो गद्य लेखक भी हैं, कई किताबें हैं अरविंद मोहन जी की, प्रवासी मजदूरों की पीड़ा, और पत्रकारिता पर भी उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है पत्रकार और पत्रकारिता प्रशिक्षण। मिश्र जी से बातचीत करने के लिए एक दूसरे हमारे संवादी हैं अरुण कुमार त्रिपाठी, वे भी हिंदी के जाने माने पत्रकार हैं, कई पत्र पत्रिकाओं से लंबे समय तक वे जुड़े रहे हैं। मैं चाहता हूं कि मिश्र जी से बातचीत आरंभ हो, इसके बातचीत की शुरुआत अरविंद मोहन जी करें। अरविंद मोहन जी, मैं दो चीज़ें चाहता हूं खास तौर से, एक तो पत्रकारिता आपने किस संस्थान में की वो एक जानकारी है, लेकिन जो मेरे लिए हैरानी की बात यह है कि आप एक विचारधारा से जुड़े व्यक्ति हैं, बहुत साफ उससे जुड़ाव रहा है, लेकिन हम सब लोग उस विचारधारा से सहमत नहीं थे। और मुझे बहुत बाद में जब आपके साथ काम करने के बहुत लंबे समय बाद ये बात समझ में आई कि आप किसी आइडियोलॉजी से इतना जुड़ाव रखते हैं, क्योंकि आपके पास जो आने वाले लोग थे, एक तो खबरों में आपने कभी कोई चीज़ हम लोगों को ये नहीं आने दिया कि आप ये खबर करिए ये ना करिए, और दूसरा ये कि जो आपके पास आने वाले लोग थे वो मुझे लगता है कि हर विचारधारा, हर जमात के लोग, हर पार्टी के लोग, हर सेठ के लोग, तो ये दोनों चीज़ों पे आप मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी बात करें। अरविंद जी, लखनऊ आने से पहले मैं बनारस में था, बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। नहीं, सन भी थोड़ा बताइए, उससे हम लोग वो लैंडमार्क होगा। हाँ, ये सन 60 के आसपास की घटना है। वास्तव में पढ़ते समय आज अखबार में जाना होता रहता था, हम लोग लिखते रहते थे कुछ न कुछ, और आज अखबार का जो संपादक मंडल था वहाँ जाकर कभी कभी बैठना, आज अखबार के संपादकों की एक बड़ी भारी टीम थी, बहुत अच्छी परंपरा थी। ये उस दशक की बात है जब हिंदी पत्रकारिता का विस्तार हो रहा था, और हिंदी पत्रकारिता में धीरे धीरे पूंजी का प्रवेश हो रहा था, तो हम लोग जब भी समय मिलता था आज अखबार में चले जाते थे, थोड़ी देर बैठते थे। वहाँ पर ईश्वरचंद सिन्हा जी थे, चंद्र कुमार जी थे, विद्या भास्कर जी थे, ऐसे बड़े बड़े संपादकों के पास जितना भी उनके पास समय रहता था, तो वो कभी कभी कुछ लिखने के लिए बता देते थे। लक्ष्मी शंकर व्यास भी थे। लक्ष्मीशंकर, तो उनको जो कुछ वो बता देते थे हम लोग लिख कर के दे ले आने की कोशिश करते थे, और वो छप जाता था। तो पत्रकारिता के प्रति एक आकर्षण, अपना लिखा हुआ छपना छपा देख करके एक प्रसन्नता होती थी अंदर से कि हमने लिखा है। तो वास्तव में पत्रकारिता में आने का कोई विशेष आकर्षण तब तक नहीं बना था, ये था कि पढ़ रहे हैं साथ साथ कुछ न कुछ लिखते रहते थे। मुझे याद है कि आज अखबार से पहला पारिश्रमिक मुझे 15 रुपये का मिला था तो लेकिन आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि 15 रुपये का खुशी बहुत थी अंदर से। तो उसके बाद धीरे धीरे पत्रकारिता की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। वहाँ से अपनी परीक्षा पूरी करके मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में मेरा सबसे पहले संपर्क हुआ पांचजन्य साप्ताहिक अखबार से। यादव राव जी देशमुख
एक हम लोग के मित्र थे जी, जी, जी। और वो पांचन अखबार के संपादक थे वो, और बनारस से लखनऊ आने में और पत्रकारिता के साथ जुड़ने की प्रेरणा भी उन्हीं की थी। तो वहाँ आकर के मैं उनके साथ जुड़ गया एक उपसंपादक के रूप में, और वहाँ से ये यात्रा शुरू होती है। ये किस सन की बात है जब आप? ये बात है लगभग 1963 की। तो शाम के अखबारों की एक परंपरा रही बनारस में, पहले आज अखबार जब हम लोग पढ़ते थे तो आज अखबार भी शाम को ही निकलता था, बड़ा अखबार था, लेकिन वो मॉर्निंगर नहीं था, शाम को निकलता था। एक दूसरा अखबार वहीं से शाम को निकलता था, गांडियू, वो छोटा अखबार था। तो जब तरुण भारत में काम करने लगे तो वो भी शाम का ही अखबार था। थोड़े दिनों तक काम करने के बाद अचानक एक बार यादव राव जी से मिलने के लिए अमर उजाला अखबार के संपादक और मालिक डोरीलाल अग्रवाल जी आए। डोरीलाल जी से वहाँ उन्हीं के यहाँ परिचय हुआ, और उस समय एक संयोग था कि लखनऊ के जो अमर उजाला के संवाददाता थे वो छुट्टी पर चले गए थे, और उनका कुछ राजनीतिक इंटरेस्ट होने के कारण वो राजनीति में थे, सक्रिय थे, गोरखपुर के रहने वाले थे, तो चुनाव के लिए तैयारी करने लगे। तो एक संयोग की बात थी कि वो जगह खाली थी। डोरीलाल जी ने चलते समय ये प्रस्ताव किया, तो मैंने कहा कि हम तो अभी ये काम कर रहे हैं। उन्होंने यादव राव से बात किया और इस तरह से अमर उजाला के साथ जुड़ाव हो गया। अमर उजाला के साथ जुड़ने से दो फायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पांचजन ने तरुण भारत के साथ जुड़ने से जो एक विचारधारा के साथ का जुड़ाव था वो उस वो अलग हो गया, थोड़ा कम हुआ। हाँ, कम हुआ जी। और एक व्यापक सहमति स्वीकृति बनने लगी है अमर उजाला के साथ जुड़ने से। और इस तरह से मैं लगातार 1980-82 तक, बल्कि थोड़ा सा एक बीच में गैप हुआ था, मैं अमर उजाला के साथ ही जुड़ा हुआ था लगभग 85 तक। और अमर उजाला में नहीं, जनसत्ता में कब आए थे सर? जनसत्ता में मैं 86 में आया। एक मेरी थोड़ी और ये है दिलचस्पी कि डोरीलाल जी जैसे लोग जिन्होंने एक एक अखबार और एक समूह खड़ा किया, वो नायक नहीं बने हमारी पत्रकारिता के। और ये कर्पूरचंद पुलिस के साथ भी हुआ, ये डोरीलाल जी के साथ भी हुआ, ये ऐसे लोग जिन्होंने अपने दम पे अखबार खड़ा किया, तो ये क्या कोई उनमें मैनेजरियल स्किल ज़्यादा था, एडिटोरियल क्वालिटी कम थी, इसकी वजह थी, या फिर मालिक होने के चलते उनको ये कीमत देनी पड़ी, या मालिक से क्लोज होने के चलते पुलिस जी को, इस तरह के जो हमारे यहाँ हिंदी में जिन्होंने बड़े बड़े ग्रुप खड़े कर दिए। डोरीलाल जी के लिए तो है कि अकेले ही लगभग खड़ा किया उन्होंने अमर उजाला को, तो फिर इन लोगों के बारे में आपको क्या लगता है? ऐसे मैंने बताया कि उस दौर में हिंदी पत्रकारिता का विकास हो रहा था, और ये जितने नए नए समूह जो स्वतंत्रता के बाद खड़े हुए हैं, उसमें जागरण समूह, जागरण जी, उसमें अमर उजाला या राजस्थान पत्रिका जिनका आपने नाम लिया, कर्पूरचंद कुलिश जी का, ये सब लोग मालिकों की श्रेणी में तो थे, लेकिन दरअसल इन्होंने अपनी पूंजी लगाकर घर परिवार से, ये बहुत समृद्ध लोग नहीं थे, छोटा छोटा अखबार निकाल करके ये धीरे 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 बढ़े हुए। और ये सब लोग सब काम करते थे, रिपोर्टिंग भी करते थे, यानी कि अमर उजाला शुरू करने से पहले डोरीलाल जी सैनिक अखबार में काम करते थे, और सैनिक अखबार में रिपोर्टिंग का काम करते थे, और एक कॉलम लिखा करते थे, उस कॉलम की बड़ी धाक थी आगरा में। और सैनिक से अलग होकर के फिर वो उजाला अखबार एक निकलता था, उसके साथ जुड़े थे, और
फिर उन्होंने उजाला से अलग हो करके अपने उनके जो पार्टनर थे रामगोपाल महेश्वरी जी, उनके साथ मिलकर उन्होंने एक अखबार की रामकृपाल या मुरारीलाल मुरारीलाल महेश्वरी जी, हाँ मुरारीलाल महेश्वरी जी, तो उनके साथ जुड़कर उन लोगों ने मिलकर के ये अमर उजाला की एक शुरुआत की थी और बहुत छोटी शुरुआत थी और अपने ही बल पर, माने ये है कि अखबार शुरू करने से लेकर के चलाने से लेकर के सारा काम वो लोग करते थे, बेचना भी करते थे, किस पॉइंट पर हाँ बंडल पहुंचाने का काम भी किया करते थे। तो आज जिस बड़े पैमाने पर हम लोग देखते हैं जागरण को या अमर उजाला को या राजस्थान पत्रिका को या इसी तरह से भास्कर का भी हुआ, तो आज जो बड़े बड़े समूह रूप में खड़े हुए हैं उनके पीछे इन सारे लोगों की तपस्या है और ये तपस्या उसी तरह से थी जिस तरह की तपस्या किसी ज़माने में अभ्युदय निकालने के लिए मालवीय जी ने किया था, क्योंकि साधन नहीं थे और सब काम वो लोग सब करते थे। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण निकालते थे कानपुर से और खुद ले जा करके लोगों के पास पहुंचाते भी थे। बनारस से आप लखनऊ आए और लखनऊ में लंबे समय तक आपने पत्रकारिता की, लखनऊ की पत्रकारिता की क्या विशिष्टता है? और जब आप लखनऊ में थे तो वहाँ पर पायनियर अखबार था, स्वतंत्र भारत अखबार था, नेशनल हेरल्ड भी था, नवजीवन भी था, और बाद में जब आप शायद वहाँ से आने लगे तो नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका और अमृत प्रभात जैसे अखबार भी आए। आपके कार्यकाल में वहाँ अखिलेश मिश्र जैसे पत्रकार भी थे, चंद्रोदय दीक्षित भी थे, अशोक जी भी थे, घोष साहब भी थे जो पायनियर का जिनका संपादकीय पढ़ने के लिए बहुत लोग जाते थे, शायद चलपति राव पता नहीं थे आपके साथ थे जिसमें इनका नेशनल हेरल्ड का एडिटोरियल पढ़ने के लिए, इनका अखबार पढ़ने के लिए। तो लखनऊ का जो पत्रकारीय वातावरण था वो कितना बौद्धिक रूप से सक्रिय था, कितना जो है वो खबरों के लिहाज से कितना समृद्ध था, और लोगों में जो उपलब्ध संपादक थे वहाँ पर उनकी क्या ऊंचाइयाँ थी, उनके कद की क्या अहमियत थी पत्रकारिता के क्षेत्र में? लखनऊ क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और स्वाधीनता के दौर के संघर्ष के लिए भी वो स्थान महत्वपूर्ण था। पायनियर अखबार पुराना था, पायनियर अखबार का चरित्र बदल गया था, वो पहले अंग्रेज़ों की मिल्कियत हुआ करता था, बाद में अवध के तालुकेदारों का एक संगठन था, उन्होंने उस अखबार को ख़रीद लिया था, और उसी दौर में जब वो तालुकेदारों का संगठन के ने उसी ने मिलकर के स्वतंत्र भारत अखबार की कल्पना की थी और स्वतंत्र अखबार तब निकला था और अशोक जी उसके पहले संपादक थे, चंद्रोदय दीक्षित जी उनके साथ थे सहयोग, और स्वतंत्र भारत में अशोक जी के सहयोगी थे अखिलेश मिश्र। मुझे याद है कि उस समय रजत जयंती मनाई गई थी नेशनल हेरल्ड अखबार की और उसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं आए थे और सार्वजनिक सभा में उन्होंने उनसे कहा था, तो फिरोज गांधी भी शायद देखते थे, फिरोज गांधी मैनेजमेंट में थे, मैनेजमेंट में था, फिरोज गांधी साहब मैनेजमेंट में थे जी। तो नेहरू जी ने मुझे याद है कि मंच से कहा था कि इस रजत जयंती कार्यक्रम में मैं जिनको ढूंढ रहा हूँ वो मेरे मित्र हैं, वो चेलापति राव कहाँ हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं सुबह से मुझे तो चेलापति राव साहब कहीं से मिलने नहीं जाते थे, अच्छा, किसी से मिलने नहीं जाते थे, वो अलग एक अलग ही तरह के शख्सियत थे और लेकिन उनकी और उनके बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि जब पहली कांग्रेस की सरकार बनी 1947 के बाद जिसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने चेलापति राव साहब ने जो कि उम्मीद थी कांग्रेस का अखबार था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, कि उनके बारे में कुछ बहुत अच्छा छपेगा, लेकिन नेशनल हेरल्ड में बहुत साधारण रिपोर्ट गई थी और पंत जी के जाने पर। ये
ये बात बहुत बाद में पता लगी, क्योंकि काफ़ी बाद में, जब मुझे याद है कि 1976 में जब हेमवती नंदन बहुगुणा के चीफ मिनिस्टर होने के बाद नारायण दत्त तिवारी चीफ मिनिस्टर जब बने थे, तो नारायण दत्त तिवारी के चीफ मिनिस्टर बनने की खुशी में चलापति राव साहब ने एक संपादकीय लिखा था। अच्छा। जिसमें उन्होंने लिखा था कि नारायण दत्त तिवारी ने किस तरह की रिपोर्टिंग की थी। तो नारायण दत्त तिवारी सबसे यंगेस्ट सोशलिस्ट थे और विधानसभा के सदस्य थे, और वो पंत जी के चुनाव क्षेत्र से, माने नैनीताल से, शहर से कांग्रेस के कैंडिडेट को हरा के प्रजा समाजवादी टिकट पर जीत के आए थे। तो बाद में वो कांग्रेस में शामिल हो गए, अलग बात है। तो चलापति राव साहब ने उनकी तारीफ़ की थी कि एक बार जब नरेंद्र तिवारी चुनाव हार गए थे तो नेशनल लेवल ने उनको अमेरिका भेजा था, और अमेरिका में उन्होंने एक जर्नलिस्ट की तरह काम किया था, और कैनेडी के असैसिनेशन के बाद लिंडन जॉनसन जब राष्ट्रपति हुए थे तो लिंडन जॉनसन का पहला इंटरव्यू नारायण दत्त तिवारी ने किया था। और वो ये बात उस समय उसी एडिटोरियल को पढ़ करके पता लगा था। लेकिन क्या प्रतिभाएं उधर से इधर आ रही थी क्या, बनारस से? जैसे कि अशोक जी के बारे में आपने कहा कि प्रणब जी की टीम के सदस्य थे, बनारस से लखनऊ आ गए, आप भी बनारस में सक्रिय थे और लखनऊ आ गए, तो क्या आपको लग रहा है कि उस दौर में 60 के दशक में बनारस के जो टैलेंट्स हैं, जर्नलिस्टिक टैलेंट्स हैं, वो इधर माइग्रेट कर रहे थे? दुर्भाग्य से ऐसा नहीं था। अच्छा। क्योंकि हुआ बाद में, लोग दिल्ली चले आए इस तरह के। पराड़कर जी की टीम जो थी, उस टीम में बहुत बड़े बड़े पत्रकार संपादक थे, लेकिन उनमें से कोई भी बनारस छोड़ने को तैयार नहीं था। अब वो बनारस के प्रति एक आकर्षण कह सकते हैं, बनारस में उनके बनारस का मोह कह सकते हैं, जो बनारस में आम आदमी के लिए कहा जाता है कि चना चबेना गंग जल जो पूर्वे करतार, तो काशी कभों न छोड़िए विश्वनाथ दरबार। 1980 में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई चुनाव के बाद, नहीं चुनाव के बाद 1977 में इमरजेंसी ख़त्म हुई, उसके बाद 1980 आते आते तक दिल्ली के अखबारों में एक परिवर्तन हुआ था, और ख़ास तौर से टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने अक्षय कुमार जैन, नवभारत टाइम्स के संपादक थे, चूंकि उन्होंने कांग्रेस की बड़ी वकालत की थी, तो इमरजेंसी में थे संभवतः अक्षय कुमार जैन, नहीं पहले थे इमरजेंसी के दौरान अक्षय जी ही थे, अक्षय जी थे, और अक्षय जी ने बहुत तारीफ की थी कांग्रेस की, और वो उस चुनाव में पूरे टाइम्स ग्रुप ने किन्हीं कारणों से कांग्रेस का पक्ष लिया था, क्योंकि उसके पहले की कहानी में जाएंगे तो वो टाइम्स को टेक ओवर करने की बात थी इमरजेंसी में। तो जब परिणाम बिल्कुल उल्टे हो गए, कांग्रेस की सरकार चली गई, तो उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को संपादक बनाने का निर्णय किया जो कांग्रेस सरकार के थोड़े विरोध में थे, और उसमें अज्ञेय जी बनाए गए थे। जे पी से उनकी मित्रता थी? हाँ, जे पी आंदोलन से मित्रता थी। अज्ञेय जी का तो मित्रता उनकी सबसे थी, औरा भी बड़ा था, मित्रता उनकी सबसे थी, और उन्होंने किसी को नहीं बख्शा था। अज्ञेय जी का मुझे अच्छी तरह से याद है कि 1964 में जब दिनमान निकला था, तो दिनमान के लिए अज्ञेय जी ने शुभकामनाएं मांगी थी सब लोगों से, तो उस समय
श्रीमती इंदिरा गांधी सूचना प्रसारण मंत्री थी, तो उन्होंने अपनी संवेदना अपनी शुभकामना भेजी थी। उस शुभकामना में उन्होंने लिखा था कि पूंजीपति घरानों से जो अखबार पत्रिकाएं निकलती हैं उन पर मैं बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये आपके संपादन में निकल रही है इसलिए मैं ये शुभकामना भेजती हूँ। अच्छा जी, आप एक लंबा समय पत्रकारिता में बिताने के बाद एकेडमिक्स में आ गए, और शायद वही दौर है जब बड़ी संख्या में बच्चे लड़के लड़कियां निकल के पत्रकार बनने के लिए आए हैं, तो ये फासला काफ़ी है, क्योंकि जो आदमी अखबार निकालता रहा हो चैनल में काम करे वो जाके पढ़ाना शुरू करे या पढ़ाने का पूरा, ये थोड़ा मुश्किल चैलेंज है। हम सब लोग भी पढ़ाने के काम में आए तो हमारे लिए काफ़ी तकलीफ़ हुई उसमें कि किस तरह से शुरू में एक पेपर पढ़ाना 5-7 लेक्चर में ख़त्म हो जाता, क्योंकि बारीकियां ना बता पाते थे ना ठीक समझते थे। आपने इस फासले को किस तरह से, और ये जो उभार आया है कि बच्चों की फौज उम्र पड़ी है पूरी, ये पत्रकारिता के लिए कितना शुभ है और कितनी ज़रूरत और उसको है ये कि अभी उस ट्रेनिंग की पढ़ाई की, क्योंकि न पाठ्य पुस्तकें हैं ढंग से, न अध्यापक हैं, न विश्वविद्यालयों का पाठ्यक्रम व्यवस्थित हुआ है, करने की कोशिश कई जगह से हो रही है लेकिन अभी भी इसको हिंदी साहित्य की एक टेरिटरी के तौर पे, कहीं कहीं अंग्रेजी के टेरिटरी के तौर पे ही पत्रकारिता पढ़ाई जा रही है, तो आपने कैसे इस गैप को भरा? पत्रकारिता में एकेडमिक्स डालने के को लेकर के एक दिमागी अंतर्द्वंद बहुत पहले से था लोगों के मन में, क्योंकि जो लोग मालूम पत्रकार तो पैदा होता है, पत्रकार बनाए नहीं जाते, पढ़ के थोड़े आता है, वो एक फ्लेवर होता है लिखने का, तो ये चर्चाएं तो पहले से थीं। तो ये बात तो मुझे पता थी कि मैं अपने विश्वविद्यालय में प्रारंभिक लेक्चर में इस बात को रखता था कि फ्लेवर जो है अंदर आदमी का फ्लेयर, वो फ्लेयर तो ज़रूरी है, वो लेखन की शैली तो ज़रूरी है, उसके साथ साथ जो ट्रेनिंग, मैं ये भी बात रखता था कि विश्वविद्यालय के अंदर की जो भी पढ़ाई है वो तुम्हारी मानसिक तैयारी के लिए है। टेक्नोलॉजी सिखा देंगे हम, कैमरा सिखा देंगे हम, लेकिन टेक्नोलॉजी और कैमरा के सहारे एक मानसिक रूप से पत्रकार बनने के लिए की जो तैयारी होती है वो करना चाहिए। और मुझे ये लग रहा था कि चूँकि हिंदी में पुस्तकें नहीं हैं, इतिहास पत्रकारिता का नहीं है, ख़ास तौर से स्वाधीनता के बाद का, स्वाधीनता के पहले का जो अखबार था, मुझे लगा कि स्वाधीनता के पहले का के संघर्ष का जो इतिहास है वो इतना बड़ा इतिहास है कि किसी को भी पत्रकार बनना है तो उस इतिहास के साथ जरूर न्याय होना चाहिए, उस इतिहास वो उसके एक मानसिक तैयारी करता है। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखवाने का कमीशन दिया लोगों को, उसके साथ जोड़ा और उसमें से सामग्री तैयार कराने का काम किया गया। अभी जो हालत है एकेडमिक्स की, पत्रकारिता की पढ़ाई की, उसको लेके आप कितने संतुष्ट? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया में, या सब जगह, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं जानता हूँ कि अप्लाई करने वाले बच्चों की संख्या अंग्रेजी हिंदी में 1,00,000 के ऊपर है, 1.5 लाख के करीब है, तो बच्चे तो इतनी संख्या में आ रहे हैं लेकिन न कहीं डिपार्टमेंट है, न कहीं सिलेबस प्रॉपर है, न कहीं किताबें हैं, न अध्यापक हैं, तो इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने का भी मौका मिल जाए और हमको अपनी बात रखने का एक अवसर मिल जाए, बड़े बड़े नेताओं से संपर्क भी हो जाए। हाँ। नहीं, लेकिन हम लोग जैसे इंटरव्यू लेते हैं बच्चों का एडमिशन का या आगे का, तो मुझे लगता है जो बात अभी भी बच्चे बोलते हैं, जबकि समाज में पिछले 40 साल से कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ, तो ज़्यादातर बच्चों का ये होता है कि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। पत्रकारिता में आने की एक प्रेरणा ये भी है कि अपने आसपास जो गड़बड़ देख रहे हैं उसको हम इसके माध्यम से ठीक कर सकते हैं, तो ये प्रेरणा तो है, जो 2-3 बातें कैरियर की भी होंगी, कुछ ग्लैमर भी होगा, लेकिन मुझे लगता है ये प्रेरणा भी लगभग हर बच्चा लिखता है या बोलता है उसमें ये कहता है कि हम कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए और इसके लिए पत्रकार बनना चाहते हैं।
तो ये प्रेरणा जो असली होनी चाहिए वो बात तो है वहाँ, वो आप उसको लेके तो आश्वस्त होइए। तो अब असली चीज़ ये है कि जो शेप देने की कोशिश करनी चाहिए कि बेहतर पत्रकार बना के निकलें और वो बच्चे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने में कोई दिलचस्पी ना मीडिया हाउसेस की दिखाई देती है और ना सरकार की भी दिखाई देती है। और इसका लाभ थोड़े से कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जैसे NCR में ही 300 करीब संस्थाएं हैं, या डिपार्टमेंट भी अलग से एक छोटा कोई ब्रांच खोल के कि उसमें अपना कुछ सेल्फ फंडिंग का सेल्फ फाइनेंस का कोर्स काफ़ी यूनिवर्सिटीज में शुरू हो गया, वो इसीलिए कि साधन जुटाने में सुविधा है। तो मीडिया हाउसेस और सरकार, जो कायदे से ये दो बड़े सोर्स होने चाहिए थे, वो क्यों नहीं बन पा रहे हैं अपने यहाँ मीडिया एकेडमिक्स में? मीडिया एकेडमिक्स और मीडिया की जो उसके बीच में एक अंतर है और वो एक सोच का फ़र्क है। जैसे आज भी मीडिया के जो संस्थान चलते हैं, अखबार हो या चैनल हो, उनके अंदर जो ट्रेंड पत्रकार जाते हैं तो उनकी उनके लिए सारी कोशिश होती है कि उसको कैमरा हैंडल करने आता है कि नहीं आता है, पेज बनाना आता है कि नहीं आता है, पेज बनाने आता है कि नहीं आता है। वो इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है कि इसमें कमिटमेंट है कि नहीं है। तो इसलिए उनकी सारी कोशिश इस बात की होती है कि जैसा हम बताएंगे वैसा आपको करना है, आपका कमिटमेंट आपके पास होगा। तो ये इसको लेकर मीडिया संस्थानों में और जो मीडिया के फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं इनके बीच में कोई सामंजस्य नहीं है और संवाद नहीं है। मैंने शुरू में ये कोशिश की थी, भोपाल में हमने अपने एग्जीक्यूटिव से ये प्रस्ताव पास कराया था कि जो हमारे यहाँ मीडिया के टीचर्स हैं एक साल के लिए वो अखबार के दफ्तर में जाकर काम करें और एक साल के लिए उनकी जगह पर जो न्यूज़ ब्यूरो का चीफ है वो आके पढ़ाए। इमरजेंसी पर मैं थोड़ा सा आपके अनुभव भी जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपातकाल आपने देखा है और बहुत नज़दीक से देखा है। अभी जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले में कई जजेज ने बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि अभी अडवाणी जी ने कहा है कि जिन ताकतों ने देश में आपातकाल को लागू किया था वो ताकतें अभी शांत नहीं हुई हैं, वो ताकतें इस देश में मौजूद हैं और उन ताकतों से रक्षा करने के जो संस्थान हैं वो मीडिया हो सकते हैं, आंदोलन या NGO हो सकते हैं, लेकिन ये दोनों बहुत भरोसेमंद नहीं हैं, बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। इसलिए न्यायपालिका जो है एक ज़्यादा भरोसेमंद संस्थान है जो कि आने वाले आपातकाल से रक्षा कर सकती है देश की। इसलिए हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नहीं बनाएंगे और न्यायपालिका में नियुक्ति का की स्वायत्तता रखेंगे। तो ये जो मतलब आपातकाल को हम लोगों ने झेला और एक अनुभव पाया, उस अनुभव से हमने क्या सीखा और आज कितने खतरे हैं पत्रकारिता की आज़ादी को लेकर के? आपातकाल के समय ये बात साबित हो गई थी कि इस देश का बुद्धिजीवी ये रीढ़ विहीन है, उसने लगभग समर्पण कर दिया था। मीडिया ने तो पूरी तरह समर्पण कर दिया था, दूसरे क्षेत्रों के बुद्धिजीवियों ने भी समर्पण कर दिया था, जुडिशरी को समर्पण कराया गया था जिस तरह से, हाई कोर्ट तो ठीक थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबसे ज़्यादा घुटने टेके थे, तो वो तो पूरी व्यवस्था ही गड़बड़ हो गई थी। वो व्यवस्था फिर से स्थापित करने की कोई कोशिश स्वाधीनता के माने इमरजेंसी खत्म होने के बाद की सरकारों की ओर से नहीं हुई, सिवाय इसके कि इमरजेंसी का प्रावधान हटा दिया संविधान संशोधन वगैरह करके, वो 42वां नलीफाई कर दिया था, तो वो उतना भर काम हुआ है। लेकिन मीडिया के अंदर मीडिया के क्या कारण थे उस गिरावट के और मीडिया फिर से कैसे खड़ी हो सकती है एक संस्था के रूप में, ये इसके लिए कोई कोशिश नहीं हुई। हमेशा मीडिया को कंट्रोल करने की, मीडिया को झुकाने की, किसी न किसी तरह से उसको खुश रखने की
कोशिश हर दौर की सरकार ने किया है, हर दौर की सरकार ने किया। नतीजा क्या हो रहा, क्या हुआ कि मीडिया के संस्थान बढ़ गए, चैनलों की संख्या बढ़ गई, अखबारों की संख्या बढ़ गई, जो 600-700 चैनल हमको दिखाई दे रहे हैं उसमें से कितने सक्रिय हैं, कौन लोग चैनल निकाल रहे हैं, कौन लोग उसके स्वामी हैं, स्वामित्व का स्वरूप बदलने की कोई कोशिश नहीं हुई। ये जो ठोस काम होने चाहिए थे मीडिया को एक स्वायत्त करने की, जिस पर कि देश को ये भरोसा हो सके कि नहीं अगली बार अगर इमरजेंसी जैसी कोई चीज़ लागू होगी तो मीडिया खड़ी हो जाएगी, ये ग्लोबलाइजेशन के दौर की बात है। ग्लोबलाइजेशन ने मीडिया को कंट्रोल किया है, इस ढंग से कंट्रोल किया है कि वो राजनीतिक सत्ता के खिलाफ न जा सके। हम बहुत आभारी हैं श्री अच्युतानंद मिश्र जी के, जिन्होंने हमें इतना समय दिया, और उन्हीं के साथ हम आभारी हैं वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन और अरुण कुमार त्रिपाठी जी के, जिन्होंने बहुत अच्छी और सारगर्भित बातचीत की। और सबसे अच्छी इस संवाद श्रृंखला में आपने ये लक्ष्य किया होगा कि अच्युतानंद मिश्र जी ने किसी प्रश्न को लौटाया नहीं। मुझे लगता है कि इस बातचीत में बहुत सारे, इस बातचीत से बहुत सारे मुद्दे निकले हैं और उसे उन पर मंथन करके हम नई सरणियों तक पहुंच सकेंगे। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।